आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चटपटे मसालेदार सूखे चने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में काफी डिलीशियस लगता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं या शाम की चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजया और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमें किस तरह से बनाना है। चना चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चने को रात भर के लिए सोख कर दिया था, और इस तरह से देखिए रात भर सोख होने के बाद चने जो है वो भीग के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हमें इन चनों को कुक करना है, तो इन चनों को कुक करने के लिए मैं कुकर लूंगी और कुकर में चनों को ट्रांसफर कर लेंगे। और अभी इन चनों में पानी डालेंगे, और चनों में पानी इतना डालना है कि पानी जो है वो चने के इतना ऊपर रहे, लगभग आधा इंच, क्योंकि इन चनों का पानी जो है वो हमें वेस्ट नहीं करना है, वो सारा हम कुकिंग में यूज कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने चनों में पानी डाला है, और पानी जो है वो सिर्फ चनों से इतना ऊपर है। और अभी इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे, और अब इन चनों को कुक कर लेंगे। 4 से 5 प्रेशर जो है वो इन चनों को कुक कर लेना है, या आपके कुकर में जितनी देर में चने जो है वो सॉफ्ट हो जाए उतना इनको कुक करना है। हमें चनों को सॉफ्ट कर लेना है। चनों को मैंने यहाँ पे 6 प्रेशर तक कुक कर लिया है। तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को खुद से ठंडा होने देंगे। और चलिए तब तक चटपटे चने बनाने के लिए इनके मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो अभी चना मसाला बनाने के लिए 1 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हो उसमें बना सकते हैं। और तेल के गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते, और जैसे ही जीरा और लाल मिर्च जो है वो भुन जाएगा तो उसमें ऐड कर देंगे 1 पिंच हींग, आधा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, और अदरक में गोल्डन कलर आने तक इनको भून लेना है। और यहाँ पे अदरक में गोल्डन कलर आ गया है तो इसमें ऐड कर देंगे ये बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज। एक बड़े साइज के प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है, और यहाँ पे प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, प्याज में कोई भी कलर लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है। प्याज हल्का सॉफ्ट होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे ये बारीक कट किया हुआ टोमेटो। मैंने एक टोमेटो को इस तरह से बिल्कुल बारीक सा कट कर लिया है, और इसी के साथ यहाँ पे 1/4 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, जिससे टोमेटो जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और इस तरह से जैसे ही हमारे टोमेटो जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें बॉईल किए हुए चनों को ऐड कर देंगे। और मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि चने किस तरह से बॉईल हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट चने जो है वो बॉईल हुए हैं, हाथों से बिल्कुल अच्छे से मैश हो जा रहे हैं। और अभी मैंने चने के पानी को अलग रखा है। अभी इन चनों को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से प्याज और टमाटर के साथ भून लेंगे। इस तरह से आप चनों को जितने अच्छे से भूनते जाएंगे उतना ही चनों के अंदर जो है वो फ्लेवर जो है वो एब्जॉर्ब होता है, और बिल्कुल टेस्टी सी चने जो है वो बन के रेडी होते हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लूंगी, फिर इनमें मसालों को ऐड करना है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने चनों को बिल्कुल हाई फ्लेम पे भून लिया है, और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे भुनने के बाद चनों पे एक शाइनिंग सी कोटिंग जो है वो आ गई है। तो अब इसमें मसालों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये 1/4 चम्मच हल्दी लिया है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, और बिल्कुल 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च ली है। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, ये सिर्फ कलर के लिए है। आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर है। 1/4 चम्मच यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च है। और अभी मसालों के साथ चनों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो, आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे आपकी रेसिपी जो है वो उतनी ही अच्छी बनके रेडी होती है। और ये देखिए मसालों के साथ चने जो है वो बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं। तो इस स्टेज पे यहाँ पे 2 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। ढेर सारी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे, और इसी के साथ जो हमने ये चने का पानी बचा के रखा था वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे सभी मसालों को मिक्स करने के बाद अच्छे से एक बार सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, जिससे सारा पानी भी ड्राई हो जाएगा और सारे मसाले जो है वो चनों में अच्छे से लिपट जाएंगे। 5 मिनट के लिए मैंने चनों को कुक कर लिया है, और ये देखिए ऑलमोस्ट सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है, सारा इसका पानी जो है वो सूख गया है। तो एक बार इसको मिक्स कर लेंगे, और जैसा कि वीडियो में देख रहे होंगे मसाले जो है वो देखिए चने से बिल्कुल अच्छे से लिपट गए हैं। तो इस स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे, ये जो बचा हुआ पानी इसमें है वो अभी अपने आप सूख जाएगा, तभी गैस को ऑफ कर देना है। और अब इसमें आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, और अभी इसमें नींबू का रस ऐड कर देना है खटास के लिए। और आप इस स्टेज पे नमक को भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो हमने नमक चने बॉईल करते समय भी ऐड कर किया था, और टोमेटो को गलाते समय भी ऐड किया था, तो मैंने टेस्ट किया था नमक जो है वो बैलेंस है। और अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेना है एक बार। तो चलिए अब इन चटपटे चने को सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं, और इसको किस तरह से सर्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उस तरह से अगर आपने सर्व किया तो इसका टेस्ट जो है और भी एनहांस हो जाएगा। चनों को मैंने यहाँ पे सर्विंग डिश में निकाल लिया है, और चलिए अब देख लेते हैं इनको सर्व किस तरह से करना है। और सर्व करते समय सबसे पहले ये चटपटे काले चनों को डालेंगे, और उनके ऊपर से बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, यहाँ पे जो भी कच्ची सब्जियां आपको अच्छी लगती हो ऐड कर सकते हैं, बारीक कटा हुआ खीरा, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ गाजर, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ
हरा धनिया, एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा भी ये रख दीजिए, जिसको अगर खटास कम लगती है तो वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये यहाँ पे डिलीशियस ही चटपटे चने जो है वो एंजॉय करने के लिए रेडी है। इस चने को आप बना के एंजॉय करिए। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो आपको मालूम है क्या करना है, इसी तरह की चटपटी और डिलीशियस रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।